पांच के पंच की पहली खबर है नालंदा, सम्मान और पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। उन्होंने कहा कि इसकी फिर से स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है, यह भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। आज हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, अब भारत के शिक्षण संस्थान ग्लोबल हो रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को भी दुनिया भर के हर इलाके में जाना है, दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रही है। नालंदा की यह धरती विश्व बंधुत्व की भावना को नया आयाम दे सकती है। आने वाले 25 साल भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। पीएम ने कहा कि मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा अभियान का केंद्र बने, भारत की पहचान फिर से दुनिया के ज्ञान के केंद्र के रूप में हो। 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारा साझा प्रयास दुनिया की नई प्रगति को दिशा देगी। तो नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से इतिहास में से निकल करके अब वर्तमान में आ चुका है और विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में पहुंचे और यहां पर उन्होंने पौधरोपण भी किया, लेकिन इस दौरान 17 देशों के राजदूत भी उपस्थित रहे। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भाषण में भी नालंदा की खूब बखान की। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी जी, इस नालंदा विश्वविद्यालय के बन जाने से कितना कुछ बदलेगा बिहार और भारत की तस्वीर, इसके साथ ही मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा आपसे कि क्या इसे बनाने में बहुत देर नहीं हो गई? हाँ जी, नालंदा विश्वविद्यालय बनकर नए परिसर का उद्घाटन हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है और इससे बिहार एक नालंदा विश्वविद्यालय फिर से प्राचीन गरिमा, प्राचीन गौरवशाली अतीत को हासिल कर पाएगा ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से इससे बिहार का एक मान बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में, एक यह बड़ी बात हुई है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या वास्तव में बिहार अपने गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रणब मुखर्जी के समय नहीं, एपीजे कलाम के समय ही शुरू हुआ है, लेकिन इतना दिन इसको भवन बनने में लग गया, 2017 से भवन बनना शुरू हुआ है। इसके पहले अभी तक एक गुमनाम इसकी पहचान जो है विश्व पटल पर उभर कर नहीं आई, इतने सालों में भारत में भी उभर कर नहीं आई। इसके पहले जबकि एक दो बार राष्ट्रपति भी आ चुके, पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव के संबंध में, प्राचीन इतिहास के संबंध में, अतीत के संबंध में कई बड़ी बातें कही। यह गुप्त पीरियड में विश्वविद्यालय था, करीब 600 वर्षों तक पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र बना रहा, विदेशों से पढ़ने के लिए छात्र एशिया के देशों से खास तौर से यहाँ आते थे और यहाँ पर कहा जाता है कि 3 लाख किताबें थी, 200 कमरे थे, 7 बड़े सभागार थे। इस विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई का स्तर था वो पूरी दुनिया को लीड करता था, इसके कारण भारत की बड़ी पहचान थी। और इसको जब बख्तियार खिलजी जो विदेशी आक्रमणकारी था उसने जलाया, तो कहा जाता है कि 3 महीने तक किताबें जलती रही। अब है कि प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय को परिसर मिल गया, तो परिसर मिल जाने से बहुत ज्यादा इसका कोई मतलब ये नहीं होगा कि कुछ बहुत कुछ बदल जाएगा। अब देखना है कि पढ़ाई इसमें किस लेवल की होती है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो नाम है, जो बाहर से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं विश्वविद्यालयों में, तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय में भी लोग आएंगे क्या चारों तरफ से? तो बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम सवाल आपने कही कि क्या जिस तरीके से
बहुत सालों पहले विदेश के बच्चे यहां पढ़ने आते थे, क्या वो दोबारा दौर लौट आएगा? परिसर बन गई हैं, दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका गौरव क्या वापस लौट आएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी अपने तमाम विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।